तो इसका सीधा सा आंसर है कि यस, यू कैन बिल्ड योर टॉयलेट अंडर द स्टेयरकेस। और वैसे भी जगह की कमी के कारण अगर टॉयलेट के नीचे की जगह को यूटिलाइज कर लिया जाए, वहां टॉयलेट या बाथरूम बनाकर, तो यह एक बेस्ट ऑप्शन। क्या स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाना सही है या गलत है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि यस, यू कैन बिल्ड योर टॉयलेट अंडर द स्टेयरकेस। पर यह जानने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू वास्तु आपका टॉयलेट या बाथरूम किन दिशाओं में होना चाहिए और किन दिशाओं में नहीं होना चाहिए। तो आइए पहले यह जान लेते हैं कि वास्तु के अनुसार टॉयलेट या बाथरूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर विशाल गोयल और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यह जानते हैं कि टॉयलेट के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अनुसार आपके घर में टॉयलेट हमेशा साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, मीन्स दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि उत्तर पश्चिमी कॉर्नर भी टॉयलेट बनाने के लिए अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। और अगर अटैच टॉयलेट बाथरूम की बात करें, तो अगर आप कमरे की नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी साइड में टॉयलेट बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आपका जो टॉयलेट का गटर है वह हमेशा आपके घर की वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। और टॉयलेट की खिड़कियां और दरवाजे किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, सिर्फ साउथ डायरेक्शन को छोड़कर। दूसरा, आपकी टॉयलेट की सीट या कमोड आपको इस तरह से लगवाना है कि जब आप टॉयलेट सीट पर बैठो तो आपका फेस ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे आपको कभी भी गैस और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो वो दिशाएं थी जो वास्तुशास्त्र कहता है कि आपको टॉयलेट इन दिशाओं में बनाना चाहिए। आइए एक बार मैं आपको वो दिशाएं भी बता देता हूं जहां आपको टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक पर कि क्या स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो हमेशा टॉयलेट के लिए ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करें, पूर्व में आपको टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व में भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ घर के सेंटर में भी आप टॉयलेट नहीं बनवा सकते, इससे पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलेगी। किचन और टॉयलेट एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, मेन गेट के फ्रंट में टॉयलेट और बाथरूम नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वो दिशाएं कि कहां आपका टॉयलेट होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि क्या स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाना सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत से वास्तुशास्त्र विशेषज्ञों को यह कहते हुए सुना है कि स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाना ऑस्पियस मीन्स अशुभ होता है, जिससे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा घटता रहता है। और बहुत से वास्तु विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाते हैं तो उस घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को पाइल जैसे डिसीजेस की प्रॉब्लम होगी। पर बहुत सी वास्तुशास्त्र की किताबों को पढ़ने और रिसर्च करने के बाद मुझे यह पता चला है कि वास्तुशास्त्र में तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि आप स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट नहीं बना सकते, बशर्ते यह वास्तुशास्त्र के नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आप स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं पर यह वेस्ट सेंटर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कमोड, मिरर, शॉवर और टॉयलेट के पेंट और वॉश बेसिन भी वास्तुशास्त्र के नियमों के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हाँ, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने में थोड़ी फंक्शनल डिफिकल्टीज जरूर आएंगी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे बची जगह थोड़ी और कुछ अजीब त्रिकोण वाली होती है जहां हेड स्पेस रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर यहां बने टॉयलेट को अच्छे से मेंटेन न किया जाए तो ये गंदगी का केंद्र भी बन जाते हैं। इसके मेंटेनेंस के लिए एक ब्रिलियंट प्लानिंग की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ कम जगह में टॉयलेट होने की वजह से आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो आप स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं, बस यह वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार हो। और वैसे भी जगह की कमी के कारण अगर टॉयलेट के नीचे की जगह को यूटिलाइज कर लिया जाए, वहां टॉयलेट या बाथरूम बनाकर, तो यह एक बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी हम टॉयलेट या बाथरूम की लोकेशन और वेंटिलेशन को प्लान करते ही हैं, क्योंकि यह एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स होता है। इसीलिए टॉयलेट की लोकेशन और पोजीशन अकॉर्डिंग टू वास्तु ही होनी चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन यह है कि जब तक कि आपकी स्टेयर की लोकेशन और पोजीशन वास्तु नियमों के अनुसार है, तब तक स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनाने का कोई नुकसान नहीं है।
तो उम्मीद करता हूं कि मेरी यह कोशिश आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और अगर आप वास्तुशास्त्र की बुक परचेज करके कुछ सीखना चाहते हैं या अपने घर के दोषों को कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा लिखी गई एक महाग्रंथ बुक सबसे बेस्ट वास्तुशास्त्र की किताब है, जो एक आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसने मुझे काफी प्रभावित किया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।